नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वेदर हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारणा। जैसा कि आपको पता है कि जमाल गांव के लोगों द्वारा जो कि ढाणी ज्ञानदीप है पिछले 47 दिन से धरना लगाए हुए है और आज पूरे ज्ञानदीप ढाणी और जमाल के और क्षेत्र के किसान नेता है वो यहाँ पर प्रशासन और सरकार का विरोध करते हुए यहाँ पुतला फूंकने पहुंचे हैं। तो अब उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ किसान इस मामले में कहते हैं। यहाँ पर आए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। गुंगी भाई सरकार कान खोल कर सुन ले, जब तक हमारे समाधान नहीं होगा समस्या का तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ओ गीत सुनाओ के क्या खतरा है, मरड़े खतरे का है, सरकार मर जाए, सरकार मर जाए, सरकार खत्म हो गई है। आज माना जाती वालों का वोट दे रहा है, यहाँ मनी तो बड़ी सर में लुमाई खड़ी है, लठ ले लेंगे फिर सरकार ने देखांगा। जी एक लंबा अर्सा हो गया है मतलब आंदोलन को लेकर, आज आप यहाँ नाथेश्वरी चौक तक पहुँचे हैं, क्या मामला क्या है? क्यों सर, लोगों को जीवन जीने की बुनियादी चीजें हैं बिजली और पानी। पिछले काफी लंबे समय से बिजली नहीं है ढाणियों में और पीने की बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए परेशान है लोग। सरकार का रवैया जो है वो उदासीन है, सरकार इस मामले में संजीदगी से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए सारे जो साथी हैं ढाणियों के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस बात की। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और उन्होंने वो अपना एस्टिमेट बना के भेज रखा है सरकार के पास। अब सरकार कब उस चीज को जारी करेगी, पैसे कब आएगा वो तो समय बताएगा। सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं है जी, किसी के पास आश्वासन है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। जमाल एक बड़ा क्षेत्र में अगर बात करें तो प्रभावशाली भी है, आपके गांव से जिला पार्षद भी है, आप गांव के सरपंच भी हैं और उसके बाद गांव के लोगों को इस तरह दर दर भटकना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पहले बात तो ये है सतवीर, पिछले 2 महीनों से गांव जमाल में धरना चल रहा है और इन्होंने वोट भी नहीं डाले, वो भी बहिष्कार कर दिया। और सरकार है चाहे कोई भी नेता हो, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इनकी मांगे को जल्दी से जल्दी सुने और सुन नहीं रहे कोई भी। तो इनकी लाइट और पानी की जो मजबूरी है वो एक हक है इनका और जायज काम है, नाजायज काम थोड़ी है ना। जायज काम के लिए भी सरकार नहीं मान रही है तो फिर कब मानेगी? पंचायत की तरफ से पत्र जारी किया गया था, उससे कोई जवाब आया सरकार? पंचायत ने तो चौथा रेजुलेशन दिया जी, कोई जवाब नहीं आ रहा है, हर नेता को दे रहे हैं, हर विभाग को दे रहे हैं, हमारे पास तो अभी तक कोई हाना का जवाब नहीं आया। अभी लाइट लगवा देंगे और लगवा देंगे तो गांव में 2 बिजली घर भी है, 24 घंटे फुल लाइट रहती है तो उसमें से कनेक्शन ही करना है। 8 घंटा के अंदर है गाँव ढाणिया, जिसको 8 घंटा के ढाण के अंदीप 8 घंटा के अंदर है और 8 घंटा में लगभग 3-1 घंटा लाइट रहती है, वो भी 8 घंटा नहीं रहती।
तो गांव में इसका कनेक्शन हो जाए 24 घंटे से। गांव ने हरी पंचायत ने जमीन भी दी है गांव में बिजली घर बनाने के लिए, तो सरकार को ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और ये इस गर्मी के अंदर तपती धूप के अंदर महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं हर दिन बीमार होते हैं हर रोज बीमार होते हैं और सरकार के कोई सुनाई नहीं कर रही। जी जी ने उनको एक ज्ञापन दिया गया था अल्टीमेटम दिया गया था उसका क्या डीसी शिक्षा ने ज्ञापन दिया था अल्टीमेटम दिया था तो डीसी शिक्षा क्या करे इसके अंदर सरकार से कोई होगी ना सरकार कोई आगे सिलेक्शन करेगी सेक्शन होगा कोई काम तभी महकमा करेगा तभी डीसी करवाएगा। अभी तक तो कोई सेक्शन भी नहीं है सेक्शन भी नहीं हुआ है कोई काम डीसी ने एक महीना दिया था 15 दिन में निकल गए और अभी तक कोई सेक्शन काम नहीं हुआ है सेक्शन होने के बाद भी टाइम लगता है। बिल्कुल ढिल्ला जी कोई आकर पूछ नहीं रहा है कोई आकर वहाँ पर ऐसी नहीं कह रहा है कि कैसे बैठे हो। लेडीजे हैं 60-60 साल की लेडीजे हैं 60-60 साल के बुजुर्ग हैं हर रोज बीमार होते हैं सिर्फ एक सेवा दे रही है हमारे गांव की हॉस्पिटल है पीएचसी बना हुआ है उसके अंदर सेवा जा रही है दिल्ली की और इनके पास कोई सेवा नाम की चीज नहीं है। इस तपती धूप के अंदर इस गर्मी के अंदर जमींदार बैठे हैं और वो अपना रोना रो रहे हैं पर सरकार सुन नहीं रही है वहाँ बैठे हुए। और 47 दिन के अंदर हमने एक तो हमारे युवा साथी न्याल सिंह खिचड़ को खो दिया एक हमारे बुजुर्ग दाऊदी नथुराम जी गोदारा। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर इन्वर्टर तो आपको कितनी देर चलता है गर्मी के अंदर उनके भी माले ज्ञानदीप में दो हमने खो दिए और कितने और जाती है सरकार पता नहीं इतने टेम्परेचर के अंदर बैठे रहते हैं ना तो पानी ना लाइट कोई चीज की 8 घंटे के अंदर जुड़े हुए हैं। युवाओं का क्या रोल है इसमें? युवा तो बहुत बुरा हाल है जी, मतलब बात युवाओं की नहीं है बात तो अगर बच्चों से लेकर बूढ़े तक की करो तो मतलब जमालगांव के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। इलाहाबाद हल्के का सबसे बड़ा गांव और जिस गांव ने बहुत अच्छे अधिकारी दिए हैं और अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की समाज सेवा की बात होती है तो भी गाँव जमाल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है या तो जमाल से कोई बैर है या फिर सभी राजनेता कर लो या सरकार कर लो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगता है इससे तो कोई और ही कड़ा फैसला लेना पड़ेगा जैसे हम टंकी पर चढ़े थे उसी टाइप का या फिर किसी न किसी दो किसान शहीद हो गए तीसरे को किसी को आत्मदाह करना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि सरकार का रवैया बिल्कुल ढीला डाला अभी तक। डीसी साहब ने भी मतलब एक मीठी गोली दी थी और अभी तक चाहे किसी भी आप नेता की बात कर लो कुछ नहीं है बिल्कुल शून्य है। 10 दिन का टाइम दिया था उन्होंने भी 10 दिन के अंदर हो गए प्लास्टिक गोली देना दिया वैसा किसान अगर बात करें तो किसान अक्सर लड़ता रहा है यहाँ तहसीलों में थानों में बिजली के रोक और फिर एक लड़ाई लड़ी जा रही है ज्ञान दीप धानी के लिए तो किसान संगठनों का क्या रवैया है या कुछ देखो किसान संगठन हमेशा लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और सक्रिय रहे। अब भी हमारे साथ जो चोपटा क्षेत्र के साथी है रोहतास सापुरिया से रामपुरा ढिलो से साथी एक आह्वान पर यहाँ पहुँचे हैं। हमेशा किसान जो संगठन है वो लगातार किसान की कोई मूवमेंट हो तो उसमें साथ देते हैं। बात जानी ज्ञानदीप की रही तो बिजली और पानी मुहैया कराना सरकार हर सरकार की प्राथमिकता होती है और आम जन का अधिकार होता है। बिजली और पानी जी अगर वहाँ नहीं है तो कौन से विकसित भारत की बात हम कर सकते हैं। अब किसी भी सरकार में ये 1984 से ढाणियां बनी थी लेकिन लगातार ये ढाणियां बनी हुई है और यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है लेकिन आज तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज ये खुद अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जागरूक होकर के इन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ने का फैसला किया लेकिन शर्म और दुख की बात तो ये है भी ये 47 दिनों से लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और पता है एक किसान साथी जो हमारे बीच में नहीं रहा एक किसान साथी जो अभी फिलहाल उसके गड़बड़ चल रही है इसकी पीलिया की शिकायत बता रहे हैं लीवर में थोड़ी गर्मी है तो उसको रेस्ट कर रहे हैं। जयवीर चौराण है वो युवा साथी है बहुत जुझारू है जिसने काम शुरू किया था लेकिन आज प्रशासन अधिकारी पता नहीं एक टब्बर होता नहीं से दिया कहता बोले इन्हें नावड़ जी इन्हें हाउ है और वो हवा तो देखने लग रहे हो कितनों प्रशासन भी बिल्कुल चोपटा क्षेत्र में जो भी किसान आंदोलन है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और अब अधिकारी बात करने की खतरा है और कितनों प्रशासन तैनात कर रखे यहाँ लगा देना कोई आतंकवादी आ गया कोई दूसरा देश उचाल के आ गया व्यवहार ही शो कर रखे है सतबीर जी बहुत ही शर्मनाक बात है। और आगे जी अगर इन तरह रवैये रहे हो आज तो मैं वो पुतला फूंक के प्रशासन सत्ता पक्ष और विपक्ष क्योंकि विपक्ष भी कभी सत्ता पक्ष था
ये आज की समस्या नहीं है, सत्ता पक्ष उस समय भी था। इन तीनों का नाम का ये पुतला फूंक उनका शंखनाद किया है। अगर ये अब भी इन्होंने सुध नहीं ली तो आगे इससे बड़ा कदम उठाएंगे, बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और चौपटा क्षेत्र के सभी गांव में जाकर के लोगों से राय मांगेंगे, लोगों से सहयोग मांगेंगे। आइए, ये भी हमारे भाई हैं, इनकी मूलभूत सुविधा, क्योंकि आज लाइट के बिना तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। और ये कंपटीशन की बात करते हैं, हमने लाइब्रेरी बना दी, कंपटीशन करेंगे बच्चे। अरे घर में एक बल्ब नहीं है, देखो पुरानो 1947 भी जमाने में आज हिंदुस्तान का और वो भी जमाल गांव का ढाणी ज्ञानदीप का एक इश्यू है और वह लोग आज भी बीतरी जेड़ लग रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है सारा के लिए। जो हमारे ग्रामीण है जमाल गांव से, इनकी जो बिजली पानी की समस्या को लेकर काफी जो पुराने टाइम से धरना चल रहा है इनका 47 दिनों, उसके रिगार्डिंग हमने साहब को सूचित कर दिया था सरकार के संज्ञान में है बात, और इसके लिए ऑलरेडी एस्टिमेट भिजवाया जा चुका है बिजली विभाग के द्वारा, और उसका जो लेटेस्ट स्टेटस है वो मैं अभी बात करके और ग्राम कर देता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि प्रशासन उनके पास गया नहीं है, 2 महीने हो गए उनको वहाँ पर करना लगाया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन के संज्ञान में दीजिए और प्रशासन इनके लिए काम कर भी रहा है। रही बात जाने की, तो मैं अभी साथ ही जा रहा हूँ इनके, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो भी लेटेस्ट हमारे पास स्टेटस होगा इनको सूचित करेंगे, समझाएंगे और समाधान करवाते रहेंगे। ये जो आप हमारे साथ देख रहे थे, ये तमाम वो किसान हैं जिन्होंने पिछले 47 दिन से धरना लगाया है, आज जो सरकार से मांगने मात्र और मात्र बिजली पानी आए हैं। ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश में है जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को ना तो बिजली दे पा रही है ना पीने का पानी दे पा रही है। ऐसी सरकार की हमने बार बार आपको बताया है, लोग जहाँ धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, लेकिन इस देश के हिंदुस्तान के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार नकारा साबित हो रही है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेतड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सुखबीर सारण, कैमरा सहयोगी धोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।